राधे राधे दोस्तों। तो ये है जयपुर का जयगढ़ फोर्ट, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना था। ये जो पानी का टाका आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारा खजाना छुपाया गया था। कहा जाता है कि साल 1976 में जब देश में एमरजेंसी लगाई गई थी, तब यहाँ छुपे खजाने को लेकर राजनीतिक तूफान मच गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह भनक लग गई थी कि इस किले में बने पानी के टाके में बहुमूल्य खजाना छुपा है। इसके बाद यहाँ 50 दिनों तक सेना द्वारा छानबीन चलती रही और आर्मी के ट्रक दिल्ली की ओर रवाना होते रहे। बात करें इस किले की, तो राजा मानसिंह प्रथम ने अपनी रियासतों से जो संपत्ति इकट्ठा की थी, उसको छुपाने के लिए उन्होंने चील के टीले का चुनाव किया था। उसके बाद 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाना शुरू किया। इसका बाकी निर्माण सवाई जयसिंह ने आमेर की सुरक्षा के लिए करवाया था। इसी खजाने के कुछ हिस्से का उपयोग करके उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण कराया। इस किले के आसपास से पूरे आमेर की सुरक्षा के लिए पहाड़ों पर ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें बनी हुई हैं, जो यह कहा जाता है कि चील की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो आइए हमारे साथ और चलिए कि हमने वहाँ लाइक क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हम आपको भी बताते हैं। सो हम लोग पहुँच गए हैं जयगढ़ फोर्ट। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसके अंदर सबसे बड़ी तोप है जयवान तोप, जो हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये राजा का फ्लैग है, और कहा जाता है कि इसके ऊपर जो छोटा फ्लैग है वह तब लगा रहता है जब वहाँ राजा उपस्थित हो उस राज्य में, और अब उनके वंशज जब उपस्थित होते हैं जयपुर में, तब वो फ्लैग ऊपर लहराता है। अगर वो नहीं होते हैं वहाँ पर, तो वो फ्लैग, छोटा फ्लैग नहीं लहराता। इस वीडियो में आगे आप जयबाण तोप देखने वाले हैं, तो इसके पहले मैं आपको उसके बारे में यह बता दूँ कि यहाँ रखी पंचमुखी जयबाण तोप अपने ज़माने की सबसे बड़ी तोप मानी गई थी, जिसकी मार करीब 35 किलोमीटर की पाई गई थी। इसमें 100 मीटर लंबी बाती लगती थी। कहा जाता है कि ये तोप केवल एक ही बार टेस्टिंग के लिए चलाई गई थी, और इस तोप को चलाने वाले जो सैनिक थे, वो वहाँ सामने बने हुए पानी के टाके में कूद गए थे ताकि उन्हें ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। उसके बाद भी उनके कानों में क्षति पहुँची थी, और वहाँ के आसपास के गांव बहुत ज़्यादा ही क्षतिग्रस्त हुए थे। इसी वजह से इस तोप का उपयोग टेस्टिंग के बाद कभी नहीं किया गया। पांच कलर का फ्लैग है ये। उनका लास्ट जो अभी वो है बेटा है, वो देखो पानी गिर रहा है, पानी भी इधर आएगा बारिश। तो ये देखिए, ये है सबसे बड़ी तोप। अब ये सोचिए इस तोप को कैसे यहाँ तक लेके आए होंगे, कैसे इस तोप को यहाँ पे पहुँचाया होगा। ये देखिए, ये है सबसे बड़ी तोप। इतनी बड़ी तोप है, इसको इतने ऊंचे पहाड़ पे कैसे लाए होंगे। विशाल का ये तोप, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत प्यारी। अरे कोई नहीं बना
ये टायर देखिए कितने बड़े टायर है इसके। बना भी कोई नहीं सकता ये। हाँ क्या आधे क्या बोल रहे हैं आप? ये कोई बना भी नहीं सकता। अच्छा ये कोई बना भी नहीं सकता। हाँ आज के टाइम पे इस तोप को बनाना नामुमकिन है। सोचिए उस टाइम के लोगों का क्या दिमाग था, कितने अच्छे कारीगर थे वो। ये तोप बनाने की फैक्ट्री है यहाँ पे, यहाँ तोप बनती थी। ये तोप कारखाना था। ये देखिए बड़ी बड़ी तोपें खड़ी यहाँ पे राजा के टाइम पे बनी हुई। ये देखिए ये पूरा इनका कैसी कैसी तोपें हैं। ये यहाँ पे इनकी तोपें बनती थी। यहाँ तोप बना करती थी। ये देखिए आधे फुल मजे लेते हुए। आधे कुछ बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बारिश शुरू हो गई ना। ये आधे की मम्मी बारिश में मजे लेती हुई। ये पहले की दीवार बहुत मजबूत, आज के टाइम की और इस दीवार में बहुत अंतर है। पानी मोटी बूंद आ रही, जल्दी निकलना पड़ेगा लग रहा है यहाँ से। बहुत तेज लगता है बारिश होने वाली है। ये तो बनाने की फैक्ट्री। ये देखिए पत्थरों का किया था। ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं, कहा जाता है वहाँ नीचे के रास्ते से बैल जाते थे और बैलों के घूमने से ये मशीन काम करती थी। यहाँ है भैरव बाबा का मंदिर। हमें बताया गया कि जब राजा युद्ध करने जाते थे तो यहाँ पूजा करके ही जाते थे। आद्या और आद्या के पापा ये ऊँट पे बैठे हैं और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखो उस टाइप की मशीन है, कोई हवा फेंकने वाली मशीनें बनाई थी उन्होंने, इज़्ज़त की मशीन है उनके टाइम की। ये देखिए उन्होंने हवा फेंकने की मशीन बनाई थी। ये उस टाइम का सन 1500 सदी ईस्वी का कूलर है। ये ऐसा लकड़ी का कूलर था, ऊपर से पानी डालने का था। हाँ ये सब कूलर है। ये पालकी थी, पालकी पालकी, और ये भी कूलर था। ये देखिए कूलर, ये दोनों नगाड़े हैं। ये बंद करके रखा हुआ है।
ये देखो राजा का यहाँ पे सभा होती थी। दीवाने खास वहाँ राजा का तख्त होता था। किटी सनो किटी यहाँ बीच बीच राजा बैठते थे, यहाँ उनकी सभा लगती थी। ये पालकी हुआ करती थी। इसे बोलते भूल भुलैया। ये देखो ये इनका भोजनालय कक्ष था जहाँ पे वो खाना खाते थे। जिसको सील कर दिया गया है। यहाँ पे इधर ऐसे खाना बनता था। अभी थोड़ी देर सारी मूर्तियाँ खड़ी हो जाएंगी और आपसे बातें करेंगी। खाना मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं खाना बनाती हूँ। ये महिलाओं का भोजनालय था जहाँ लेडीज रानियाँ सारी यहाँ पे खाना खाती थी। ये रानियों का था और ये है जेंट्स का भोजनालय। ये सब राजाओं की पालकियों में करती थी उस टाइम पे। नहीं यही पालकियों में करती थी। पानी डालते थे और उस पानी में पानी पास है। ये बहुत प्यारा बहुत सुंदर दृश्य है। ये देखिए ये कितनी प्यारा लग रहा है। यहाँ से देखना पहाड़ पहाड़ दिख रहा है।
ये देखिए यहाँ से सैनिक गोलियां चलाते थे और इधर से गरम तेल और पानी डाला जाता था दुश्मनों के ऊपर। ये हर जगह मिलेगा। ये जो पहाड़ों पे आप दीवार देख रहे हैं, ये है चीन के बाद सबसे लंबी दीवार और ये है आमेर पैलेस जो यहाँ से जयगढ़ फोर्ट से दिखता है। सो ये जय महल में राजा का था सिंहासन, राजा यहाँ बैठते थे, रानियाँ यहाँ बैठती थी। यहाँ से पूरा बहुत प्यारा व्यू है सामने पहाड़ का, जो कैमरे में शायद से नहीं आ पा रहा, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। अगर कैमरा जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं आगे सामने पहाड़ आ रहा है, एरावल की पहाड़ियाँ। और ये जूम आउट किया, बहुत सुंदर है, अति सुंदर। ये देखिए सामने पहाड़ का बहुत प्यारा प्यारा सुंदर सा दृश्य। ये उनके उस टाइम के शस्त्र हैं। जयगढ़ पैलेस मेनली राजा की सेना के रहने के लिए बनाया गया था। राजा और रानियां जब जयगढ़ पैलेस तब ही आते थे जब कोई युद्ध की परिस्थिति हो या उनके महल पर हमला कर दिया गया हो, तब वह जयगढ़ पैलेस आते थे। वो भी आमेर और जयगढ़ पैलेस से सुरंग जुड़ी हुई है, जो हम आपको अगले आमेर पैलेस के एपिसोड में दिखाएंगे। युद्ध की परिस्थिति में राजा और रानियां आमेर पैलेस से जयगढ़ पैलेस 2 किलोमीटर लंबी सुरंग, जो आपस में एक दूसरे किले से जुड़ी हुई है, उसके ज़रिए जयगढ़ किले तक पहुंचते थे। इस वीडियो में आप जो शस्त्र देख रहे हैं वो उस टाइम पर यूज़ किए जाने वाले शस्त्र थे, जो आज भी संभाल के रखे गए हैं। कितनी बड़ी बड़ा कितनी लंबी नाव होगा तेरे लोगों की। ये छुपाने वाले हथियार से वो उनको अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे हथियार छुपाने वाले। ये विभिन्न प्रकार के तीर हैं जिनसे युद्ध लड़ा जाता है।